मैं मंजूर राही नेशनल न्यूज चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज हम जहां पहुंचे हैं वो बहुत बड़े फनकार हैं, आज उनकी एकेडमी में बैठे हैं, उनका नाम है जनाब परवेज पारस साहब। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। फन के उफक पर सदियों बाद कुछ सूरत तलू होते हैं जिनकी जौ हशबत सदियों जिंदा रहती है। ऐसे ही एक शख्सियत पर फनून लतीफा के बहुत से फन उतरे तो फिर वो शख्सियत एक सदी कहलाएगी। तो मेरी मुराद जनाब परवेज पारस साहब से। तबला से लेकर राग रागनियां तक ये एक मुकम्मल दस्तरस रखते हैं। तो आइए अपने बड़े फनकार परवेज पारस से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मैं अपनी तरफ से और जनाब परवेज पारस साहब की तरफ से मुलाकात का शर्फ मिला, मैं उनका तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ। हज़रात मेरे नाज़रीन सामीन, हम जनाब परवेज पारस साहब से मुलाकात करते हैं। उनके अलूम, उनकी शख्सियत पर बहुत सी बातें होंगी जो हमारे नाज़रीन के लिए बड़ी मुफीद और साबित होगी। मैं अपने प्रोग्राम फन और फनकार में जनाब परवेज पारस साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, बहुत मेहरबानी। बहुत अरसे बाद आप मिले हैं और मैं बहुत खुशी हुई। आप बहुत बड़े फनकार हैं, आप लोगों को हमें आप लोग कैसी चीज है जो दस्तावेज है इसको संभाल के रखना चाहिए, इसलिए आपको तकलीफ दी है। खुदा का फजल है जी जी, और तो कुछ भी नहीं, बस उसका करम है। देखिए खान साहब, आप हर साज में महारत रखते हैं मगर तबले में आपको दुनिया जानती है। लेकिन ये बात बड़ी, क्योंकि आप ही बड़ी देर बाद मिले हैं। तबला मुझे छोड़े हो तो मेरे साथ तकरीबन को 35-40 साल हो गए हैं। नौजवानी में बजाया, जवानी में छोड़ दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बस ऐसे ही। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ, ये फैज आपने कहाँ से हासिल किया तबले का? पहले इधर आते हैं खान साहब, मुझे ये कि मेरे जो वालिद थे मास्टर पी डी पारस जी, वो बुनियादी तौर पे तो पढ़ाते थे, टीचर थे, टीचर थे, लेकिन उन्हें सरंगी बजाने का भी शौक था। अच्छा अच्छा, वाह वाह। साथ ही साथ उन्होंने मुझे कहा कि तबला सीख ले। अच्छा अच्छा, वो फिर मैंने तबला सीखा भी, फिर किताब भी लिखी ताल आंग तबले के। वो मैं आगे आपसे बात करूंगा। तो वो फिर करते करते, लेकिन एक बस ऐसे ही टर्न आते है ना जिंदगी में, वो फिर गाना मेरे जो पहले उस्ताद थे जी ए फारूक, उनका नाम था, वो बुनियादी तौर पर गाते थे, उनसे सीखते सीखते गाना सिखाना शुरू किया, फिर सारे काम साथ चलते रहे। इसका पता कि शायरी भी साथ थी। शायरी भी आप बहुत अच्छे हैं, वो भी आगे बात करेंगे आपसे। वो फिर गाना ही सिखाना शुरू, तबला मैं अब सिखा देता हूँ खुद नहीं बजाते। अच्छा खान साहब, आपने बात कर दी आपके वालिद मोहतरम से जिन्होंने तबला आपको सिखाया, आपकी इब्तदाई तालीम लाहौर से? बिल्कुल, कहा लाहौर में ही 44 के करीब रेलवे स्टेशन के करीब एक इलाका है काछूपुरा, पैदा हुए और यही ज्यादा लाहौर ही रहे, लाहौर में रहे। आपके बहन भाइयों में कोई और भी बजाने वाला गाने वाला फनकार है या आप ही है? नहीं, और तो मतलब घराने में तो कोई, मेरे भतीजे थे अली शाकिर, वो काफी अच्छा गाते थे, उनकी डेथ हो गई पर ये कोई चंद माह पहले, और कोई किसी ने घराने में किसी ने शौक जारी कोशिश की, लेकिन मेरे पोते हैं वो करें, लेकिन किसी ने शौक नहीं किया। शागिर्द बहुत है आपको पता है। हाँ, बहुत ना, वो आप बहुत, पहले ही आपको बता दिया कि आपकी शागिर्द बहुत है, तो वो ही समझे कि वो भी वही बैठे हैं, वही औलाद की, वही औलाद की तरह। हाँ, तो अपनी शागिर्द तो औलाद की तरह होती है, लेकिन नाम भी उन्होंने पैदा करना। वाह वाह खान साहब। और बहन भाई कितने खास है? बहन भाई मेरे सगे बहन भाई तो बचपन में डेथ हो गई थी, तो अब सगा बहन भाई कोई नहीं। अच्छा अच्छा, ये शागिर्दी आपका खानदान है, यही बहन भाई, यही औलाद है, दो बहु है उनके आगे बच्चे हैं, बच्चे हैं वो घर बदे। हाँ, मौसीकी में कौन सा साज खान साहब आप ज्यादा पसंद करते हैं? मौसीकी में अब साज तो जाहिर है चूंकि ये वोकल की तरफ गाने की तरफ तवज्जो हो गई, तो वो मैं सिखाते तो आप तो तमाम साहब सिखाते हैं, वैसे आप क्यों पसंद? तमाम तो कर रही, तबला सिखाया, हारमोनी वो साज खो जाता है, लेकिन बाकी साज कई शागिर्द है वो आगे सिखा देते हैं, वो आगे सिखा देते हैं, क्योंकि तबले में मैं फिर मैं बहुत बड़े उस्ताद थे मंजूर हुसैन,
मास्टर मंजूर हुसैन की बात कर रहे हैं, ये कसूर के थे, तबला बजाते थे, मास्टर मंजूर हुसैन म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो ये उनके रिश्तेदार भी थे, तो बहुत बड़े तबला नवाज। तो खान साहब ये भी आप बताए, आपने तबले पर पहले आप बता रहे किताब भी लिखी, उसके इस्तेमाल पर भी कुछ हमें बताया, क्या उस पर आपने तबले के बारे में बताया? वो किताब में तबले की हिस्ट्री कैसे, बाकी उसकी सारी चीजें कैदे गते उनकी वजाहत करने की कोशिश की, कुछ बुजुर्गों की खास चीजें भी उसमें किताब में ऐड की लिखी माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर मैंने एक बोलते सुर किताब लिखी रागों पे, रागों पे सच्चे। तो ये दो तीन साल पेशतर एक किताब आई थी LSC यूनिवर्सिटी, वो मैं उधर रिसर्च स्कॉलर भी हूँ, तो वो टोड़ी की रवायत राग टोड़ी पे 72 किस्में लिखी। अच्छा, अब एक और किताब आ रही है वो राग कानड़े पे 60 किस्में, 60 किस्में, हाँ। तो और इस तरह किताबें खुदा ने इस तरह इंतजाम किया, कोई लिख रहे आपके शागिर्द भी खान साहब बहुत है, दिखने के जवेद बशीर बहुत मशहूर है, हाँ, वो भी आपके शागिर्द है, वो भी शागिर्द है रियाज अली खान शाम चुरासी वाले, हाँ, रियाज अली इम्तियाज अली, हाँ, तो उनका भतीजा है शहजाद, वो उधर होता है हॉलैंड, हाँ। इन लोगों के अलावा फहीम अजहर है जिनका काफी नाम है, बीनिश परवेज है जो कि परवेज शीद साहब की बेटी है, तो और काफी लोग है क्रिश्चियन लोग, बीनिश भी आपकी शागिर्द है, बिल्कुल 18-19 साल से सीख रही, तो इसी तरह क्रिश्चियन लोगों में पादरी की सोच थे आपको पता है, हाँ, वो आपके दोस्त भी नसीब कैसे भी आपके दोस्त भी शागिर्द, उनका बेटा नुमान पादरी, नुमान नुमान, हाँ मैं जानता हूँ, हाँ, तो वो लोग भी पादरी यूसुफ नवाब, यूसुफ नफौत हो गए, ये लोग क्रिश्चियन लोगों में काफी लोग शागिर्द, इकराम जॉन है, उन्होंने बड़ा नाम किया, मेरे दामाद भी है, अच्छा अच्छा, जावेद गैब्रियल और मेलविन है, जॉर्ज इकबाल है, इस तरह नसीम शाहिद है, ये प्रोफेसर भी है, बहुत अच्छी गजल, अच्छी गजल, ये प्रोग्राम के बाद आपको उनसे थोड़ा सुनवाते हैं। आप एक छोटी सी, आप एक खूबसूरत शायरी शायरी भी की, शायरी में आप किसको पसंद करते हैं? अलावा बात करूंगा क्रिश्चियन नहीं, शायरी में मेरे उस्ताद थे अल्लामा लतीफ अरमान, तो मैं उनसे मुतासर भी था, उसके अलावा लतीफ अरमान के शागिर्द, बड़ा नाम है वो मेरे उस्ताद थे, उसके अलावा अहमदीन कासमी, कासमी साहब, वो भी अच्छे लोग, नासिर कासमी, सब लोगों को आप तो इनसे मिले भी हुए हैं, हाँ, जाहिर वो लोग शहरों पहले आना जाना था, आप उनके साथ हमेशा रहा, शाम में चुलासी पटियाला ये वो ग्वालियर, आपके पंछी किताब लिखी आपने, वो शायरी पे, शायरी पे वो मौजूद है माशाल्लाह। तो शागिर्दों में से बहुत से शागिर्द, हाँ साहब ये जरा वजात फरमाइए, बहुत से शागिर्द है लेडीज जेंट्स, लेकिन आपको ऐसे शागिर्द के चंद नाम बताएं जो आपका नाम पैदा करें। वो मैंने बता दिया, फहीम अजहर है, फहीम अजहर वो 30-32 साल से मेरे शागिर्द, अच्छा, हालांकि कई शागिर्द तो भाग ही जाते हैं, मुसलसल एक रहा, इसी तरह तबले में मेरे शागिर्द है हारून सैमुअल, उन्होंने बड़ी मेहनत की, आजकल अमेरिका है, मतलब बहुत खूब तबला बजाते हैं, तो अनिल वकार, अनीता का भाई तो नहीं, नहीं उसका, वो अनीता का जो भाई है ना, वो आशर सैमुअल, वो हारून सैमुअल का शागिर्द, मेरा पोता शागिर्द, पोता शागिर्द, ये तो वो फिर अनिल वकार था, वो अभी आए, अच्छा, आपको कुछ बात में सुना दे, नहीं जरूर सुनेगा खान साहब, आपकी हमारे लिए न्याजमंदी है, ये जरा ये भी बता दीजिए, तमाम अलूम की मंजिलों को आपने बड़े अच्छे तरीके से तय किया, इस मुसाफत का राज क्या, हमें भी बताए, हमारे नाज़रीन को भी बताए, हर काम में क्योंकि आपने बहुत काम किया, हर काम में बड़े कठिन मसले, बड़े मसाइल आए, आपने कैसे अबूर किया, हर काम में एक जुनून होता है ना, एक लगन है, खुदा से दुआ करनी पड़ती है, सब्र की, वरना आपको पता है ये काम लोग सिखाते नहीं, नहीं, ये नहीं, तो लेकिन हमारे उस्ताद थे, उन्होंने ये जैसे ये तस्वीर लगी, उस्ताद छोटे गुलाम भी खान, ये हमारे गाने के उस्ताद थे जी फारूक साहब के बाद, इस तरह और कई लोगों से हमने सीखा है। खान साहब आपने शादी तो नहीं की, इसका मतलब है फन के साथ ही आपने शादी कर ली, बस ये बस इत्तेफाकात होते हैं, इत्तेफाक है, कोई खास वजह भी नहीं थी, जो लगे बस वो, हां ठीक, मसरूफियत में, हां वो करते करते काम में, हर काम में वो वक्त देना, वक्त देना, कोशिश की हमने, जब तक रियाजत ना हो, वक्त ना हो, फनकार नहीं बनता, यही नहीं, इस काम में बड़ी मेहनत, रियाजत, वाह ठीक है, जिंदगी में बहुत ज्यादा लोगों को सिखाते भी, जिन लोगों ने डिसिप्लिन से सीखा, सिस्टम से सीखना होता है, उनको कोशिश करते हैं सिखा, जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश हो जो पूरी ना हो सकी हो, बस ये ख्वाहिश, हजारों ख्वाहिश ये थी, हर ख्वाहिश पे दम निकले,
ये तो खान साहब आपने जवाब दे दिया गालिब के हवाले से, आप अपनी बात करें। आप वो तो बस ऐसे ही है, कोशिश तो ख्वाहिशात तो होती है बस। हाँ लेकिन खुदा करता है। आपने पाकिस्तान के बड़े बड़े गायक के साथ संगत की, किस फनकार ने आपको ज्यादा मुतासर किया गाने में? ये है कि मेरे उस्ताद तो थे ही, लेकिन शुरू में आपको पता, मैं जब तब आपने तो देखा ना, जब मैं तबला बजाता था, हाँ मैंने देखा, उस्ताद फतेह अली खान पटियाली वाले पटियाली बजाया। और गुलाम चंद शगन थे, ऐसे शगना क्या नाम लिया खान साहब आपने गुलाम चंद शगन का, तो ऐसे लोगों के साथ भी बजाया। लेकिन हमारे दोस्त जितने थे, गुलाम शबीर, गुलाम जाफर, बदरुद्दीन कबर जुमाकर, अख्तर अली जाकिरी, सलामत अली खान, लेकिन गाने में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, अमीर खान के बाद मुझे सबसे ज्यादा उस्ताद सलामत अली खान, श्याम चुरासी वाले, क्योंकि उनके गाने में फीलिंग बहुत थी। वैसे तो फतेली भी बहुत अच्छे थे, रोशना बेगम, उन लोगों को अपने सामने सुना देखा, नहीं वो आप उनको देख कर हम भी बने, तो इसी तरह सब आप भी एक शख्सियत है, एक फनकार है, एक बहुत नाम है आपको, और बड़ा खुदा ने आपको नवाजा है, इसमें कोई शक नहीं। हमारी दुआ है कि आप ऐसे खुश व खुर्रम रहें, खुदावंद को आपको हमेशा सेहत और लंबी उम्र अता करे, ये हमारी दुआ है तमाम दोस्तों की, हमारे चैनल की तरफ से भी, क्योंकि तो आप एक हमारा साथ है, मैं दोबारा फिर ये अर्ज कर रहा हूँ। जान ये भी बेचारे कि बड़े सगीर में किन किन गुलूकारों ने आपको मुतासर किया, बड़े सगीर में बड़े सुने, ये भी आप बहुत बड़े फनकार है, मेरा नजरिया कुछ फर्क है, जो भी अच्छा करे उससे मुतासर, वो तो फिर देखे ना, वो चंद लोग ऐसे होते हैं जिनको सभी अच्छा समझे, जैसे मसलन गजल में मैदी सन है, वाह वाह, फरीदा खानम हो गई, फरीदा खानम हमारी, तो इकबाल वालों की बात करेंगे आप, गुलाम अली है, गुलाम अली तो है, न्याजी तो वो मुझे बहुत पसंद है, वाह वाह वाह, दिल की बात की, एक चिड़िया का चंबा है बाबल से उजाला, तो क्लासिकल में तो मैंने आपको बताई दी नहीं कि उस्ताद सलामत अली खान, हां वो आपने पहले भी बताया, फतेह अली खान साहब, अमानत अली खान, हां सर, ये लोग बहुत कमाल थे, तबले में बहुत लोग बजा रहे हैं इंडिया में, बड़े सगीर में, तबले में वैसे तो बहुत बजा रहे हैं। आपको कौन सा तबला नवाज पसंद है? जाकिर हुसैन भी है, जाहिर है, लेकिन खान साहब भी है, तारिक खान साहब है, शौकत साहब, लोग ऐसे कि जिनको सभी लोग अच्छा कहते हैं, नहीं खान साहब आपके भी इनकी बात कर रहा हूँ, बात वही मैं कह रहा हूँ, आप अपनी, लेकिन पसंद ये है, आपकी नजर एक गहरी नजर है, उस वैसे तो उस्ताद अहमद जान तिरकवा बड़ा नाम, जाकिर हुसैन भी है उधर, वो लेकिन मुझे सबसे ज्यादा शौकत हुसैन, उनके अलावा उतना फीलिंग वाला तबला, वाह 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 खान साहब क्या बात है, बरकत किस्म के लोग थे वैसा खान साहब, माजत से मैंने आपको उनके साथ रेडियो पाकिस्तान से आते जाते देखा, वो मेरे जेहन में आ रहा है, उस्ताद तारी बहुत अच्छी, लेकिन शौकत साहब, शौकत साहब में एक शौकत साहब और आपको और पाल नाजम को सरंगी वाले, मैं रेडियो स्टेशन की सीढ़ियों को देखा, ये मुझे याद है, क्या बात है खान साहब, आज बड़ा खुशी हुई कि आपने बहुत आला बातें की। जनाब प्रवेश साहब, आज आप अपनी कीमती वक्त दिया, हम अपने नाज़रीन को नई नई बातें बताई जो शायद खान साहब की किसी से बात नहीं, मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारे जो चर्च के लोग हैं वो भी इसको डिसिप्लिन से करें, आपने तो बड़ी मेहनत भी की है, जो मैं इस इंटरव्यू में कहना नहीं चाहता, उसकी बात की बहुत अच्छी है, कई हमारे हमदोसना करने वाले लोग प्रस्तिश को और हमदोसना को एक समझते हैं, जबकि ऐसा थोड़ा सा प्रस्तिश एक अलग अलग चीज है, कि खुदा में वो डूबे होना, मसीह गीत गाना और चीज है, तो उसको चूंकि आखिर देखे जैसे उर्दू पढ़े बगैर बाइबल नहीं आती, नहीं आती, इसी तरह ये जो हम चाहे चर्च के लिए गाना सीखना है उसको डिसिप्लिन से किसी उस्ताद से सीखना, उसका रियाज करना, वो बड़ी जरूरी है, मेरी एक ख्वाहिश है और एक नसीहत भी है इस उम्र में बुजुर्ग होते हुए कि इसको डिसिप्लिन से करें, मतलब शायरी है वो भी शायरों से सीख कर ठीक कर आके आगे लाई जाए, वो जबकि बड़ी अफसोस होता है कि कई बार गीतों के जो अशआर है ना वो वजन में नहीं होता, हाँ मतलब धुनें अच्छी बन जाती है तो वो खेच कूच के कर लेते हैं, लेकिन शायरी नहीं होती, वो मतलब आसान सी बात है किसी से ठीक करा ले, क्योंकि उस्ताद की रहनुमाई के बगैर कोई चीज नहीं बात बनती, नहीं बात नहीं बात बनती, इस पे तवज्जो देनी चाहिए, दो तीन तंजीमें बनी है वो चेक किया जाए। खान साहब आज आपने बहुत कीमती वक्त निकाला,
हमें ये शर्फ हासिल बख्शा है आपसे मुलाकात। आपका मेरे सीनियर दोस्त हैं और बड़े सालों बाद खान साहब आप मुझे मिले हैं, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इंफरादी तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ, ये आपकी वक्त निकाल के नहीं नहीं खान साहब, ये आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया कि आपको लेके आए। इनका भी शुक्रिया, चैनल का भी बड़ा शुक्रिया, हमारे चैनल लिए खान साहब आप लोगों का रिकॉर्ड करना हमारे चैनल के लिए, चैनल पे आने की वजह से आपसे भी मुलाकात। हाँ, ये पुराने दोस्त है, अक्सर हमारी मुलाकात होती रहती थी, लेकिन आज मुलाकात हुई, आज का दिन बड़ा मुबारक है। और मैं आखिर में कोई तबला सुनाएंगे या गीत सुनाएंगे, ठीक है खान साहब? आप ये बताएं हमारी नौजवान नस्ल में, चाहे मेल है या फीमेल है, कोई ऐसा मैसेज दें जो उनके लिए बड़ा ही आला हो और उनको दस्तवस्त हो, उस पर कबाल हो। बस आपकी बात राय साहब, मैं पहले भी बात कर चुके कि मेरा तो मशवरा ही है कि ये जो काम है आखिर हम दो सदा करनी परस्तिश मुसीकी के जरिए करनी है, वो गाना हो बजाना हो, वो बाकायदा मुस्तद उस्तादों से सीख कर। और ये काम तो आपको पता है, मेहदी तन सलामत अली खान हो गुलाम अली हो, उन्होंने कई कई घंटे रियाज किया, तो हमें तो उससे दुगना रियाज करना चाहिए, बिल्कुल बजा करें ताकि आवाज कायम हो, शायरी मुस्तरद मुस्तरद हो, तो वो इस पाए की शायरी हो कि अहमदुद्दीन कासमी, मुनीर नियाज़ी, नासिर कासमी, उस पाए की शायरी परस्तिश में होनी चाहिए, वो सीख कर और उस पर अमल करने के बाद तो ये एक फनकार बनता है। ये और इसके साथ खास माजर से इसके साथ रियासत भी, वही ना। तो ये नौजवान नस्ल को है कि ये सामने रखें कि शायरी में नासिर कासमी या मुनीर नियाज़ी, उनके पाए के लोग जैसे हमारे पास नजीर कैसर yes, लेकिन वो अकेले ही है और एक चंद है लोग, लेकिन वो ये चाहिए ये कि हमारे पास आदिल अमीन है। हाँ, ये डॉक्टर आदिल अमीन, लेकिन मेरा नजरिया ये खुदा के लिए आउटस्टैंडिंग काम होना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि उनसे भी बड़े बड़े, चाहे वो बड़े लोग थे फैज हम फैज, तो वो हो सकता है खुदा से दुआ करें ईमानों ने चेहरा। हाँ, जिसको खुदा नवाज दे, गाने में भी वो ज़हन में रखना चाहिए कि जो प्रस्तार है वो मेहदीसन या गुलाम जी या फरीदा खानम, उनसे ऊपर के लोग, ऊपर के लोग बजाता खुदा का काम है, खुदा हम दो सदा पर तख्त नशीन होता है। वाह वाह, तो ये है, इस पे अमल करना चाहिए हम सब। नाज़रीन, जिस तरह के मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि मुझसे सीखने वालों में कुछ नाम है जो मैं पहले बता चुका हूं, तो ये नसीम शाहिद साहब है, ये गवर्नमेंट कॉलेज कसूर उर्दू के प्रोफेसर हैं, बल्कि आजकल वाइस प्रिंसिपल भी हैं, क्लासिकल भी गाते हैं लेकिन ये गजल बहुत अच्छी गाते हैं। मुझसे पहले ये परवेज मेहदी उनके शागिर्द, तो तबले पे अनिल वकास, इनका भी काफी हमने जिक्र किया है। तो ये जो बच्ची है वैरोनिका, ये कुछ अच्छे से सीखने आती है, ज्यादा ये इसकी ख्वाहिश है इनके इसके वालिदैन की भी, ये परस्तिश की चीजें ज्यादा गाए, तो वो हम सिखा रहे हैं, लेकिन अपना अपना काम है। नसीम साहब बड़ी अच्छी धुनें बनाते हैं, तो धुन के लिए मैंने कह दे तो कही, तो ये जो मेरा लिखा हुआ गीत है तो ये वैरोनिका आपको सुनाएगी, इन इनकी धुन है, तबले पे नहीं वकास। इस दुनिया दा नूर सानू नेरियां चों कड्डे, इस दुनिया दा नूर सानू नेरियां चों कड्डे, इस दुनिया दा नूर सानू नेरियां चों कड्डे, जेड़ा पढ़ लैंदा पल्ला ओनू कदी भी ना छड्डे, जेड़ा पढ़ लैंदा पल्ला ओनू कदी भी ना छड्डे, इस दुनिया दा नूर सानू नेरियां चों कड्डे, इस दुनिया दा नूर सानू नेरियां चों कड्डे। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ
पानी ओदे कम वड्डे वड्डे ओते जिंदगी दा पानी ओदे कम वड्डे वड्डे जेड़ा पढ़ लैंदा पल्ला ओनू कदी भी ना छड्डे जेड़ा पढ़ लैंदा पल्ला ओनू कदी भी ना छड्डे इस दुनिया दा नूर सानू नेरिया चो कड्डे बैरूनी कदे ये गीत जो आपको सुनाया अब शायद साहब ये आपको अपनी पसंद का कोई मसीह गीत सुनाते हैं। इनके बेटे उफाज नसीम उनका नाम है, वो भी काफ़ी अच्छा गाते हैं। किसी अगली सीटिंग में और चंद शागिर्दों को भी हम आपको सुनाएंगे। उफाज क्लासिकल भी गाते हैं और लेकिन साथ साथ हम जो सना के गीत भी। डॉक्टर आदला मीन साहब की लिखी हुई एक गजल का एक अस्थाई अंतरा पेश करता हूँ। साथ ही मैं इजाजत चाहता हूँ आपका भी बहुत पाकिस्तान जिंदाबाद।